दोस्तों जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा, मैंने वहां पर लिखा है कि आप अपनी रील्स वीडियो को कैसे प्राइवेट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जो रील्स वीडियो शॉर्ट वीडियो हम बना करके अपलोड करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि भाई इनको हम यहां से प्राइवेट करें, ये किसी को शो ना हो। कभी कभी ये होता है कि हम जो है अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हैं और उस वीडियो को हम प्राइवेट करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप के आपको लास्ट तक का देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, हमने अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है, आपको भी कुछ इसी तरह से इसको ओपन कर लेना है। तो यहां से जो है हम इस तरह से स्लाइड करेंगे और यहां से हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। अब नीचे में आप देख सकते हो अभी फिलहाल हम स्टोरी पर हैं। अब यहां से हम चलते हैं रील्स के ऑप्शन में, ये रील्स का ऑप्शन आ चुका है। यहां से जो है हम ऊपर सेटिंग आपको दिख रही है कॉर्नर में, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो रील्स की सारी सेटिंग यहां से हमें देखने को मिल जाएगी। अब हम यहां से चेक करेंगे कि रील्स के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे हम अपनी वीडियो को प्राइवेट कर सकते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां पर कोई भी फिलहाल हमें ऑप्शन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिससे हम अपनी इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो को प्राइवेट कर सकें। तो जैसे कि हम यहां से रील्स पर क्लिक करेंगे, रील्स पर क्लिक करने के बाद में इस पर भी यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम अपनी इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो को प्राइवेट कर सकें। अब यहां से हम बैक चलते हैं, बैक चलने के बाद में हम यहां से अपने प्रोफाइल के अंदर आते हैं यहां पर, और आप देख सकते हो यहां से मैं ऑलरेडी रील्स के ऑप्शन में हूं। तो ये रील्स की मेरी सारी वीडियो आ गई हैं। मैं एक वीडियो को जैसे कि यहां से प्ले करता हूं, ये यहां से जो है हमारी वीडियो प्ले हो गई है, और यहां से थ्री डॉट पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहां से जो है कोई भी ऑप्शन ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है जिससे हम अपनी रील्स वीडियो को प्राइवेट कर सकें। यहां से अगर हम एडिट पर भी क्लिक करते हैं तो यहां पर भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है जिससे हम अपनी वीडियो को प्राइवेट कर सकें। मैं आपको सारी इसके अंदर सारे सेटिंग दिखा रहा हूं कि रील्स के अंदर कोई भी ऑप्शन ऐसा अभी तक हमें नहीं दिखाई दिया जहां से हम अपनी रील्स वीडियो को प्राइवेट कर सकें। मैं आपको एक चीज़ और यहां पर दिखा देता हूं। जैसे कि हम रील्स के ऑप्शन में आते हैं और यहां से जो है हम अपनी न्यू वीडियो को किसी को भी अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि ये वीडियो हो गई, यहां से हम इसको अपलोड करना चाहते हैं। अब इस वाले ऑप्शन में आने के बाद में जब हम यहां से अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे टैग वगैरह सारी चीज़ डालने के बाद में, तो यहां पर भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम अपनी वीडियो को यहां से प्राइवेट कर सकें। जैसे कि ये यहां पर लिखा हुआ है एडवांस सेटिंग, अगर हम इस पर भी क्लिक करते हैं तो यहां पर भी कोई ऐसा ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है जिससे हम अपनी वीडियो को प्राइवेट कर सकें। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे मैसेज ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें मुझसे कहा जाता है कि भाई हमारा जो इंस्टाग्राम है वो प्राइवेट है, उसके बाद भी हमारी रील्स की वीडियो लोगों को दिखाई जाती है, ऐसा क्यों होता है? हम चाहते हैं कि हमारी रील्स वीडियो किसी को ना दिखाई जाए, हम प्राइवेट करना चाहते हैं, हमारा इंस्टाग्राम प्राइवेट है और हमारे 0 फॉलोवर्स हैं, उसके बाद भी हमारी रील्स वीडियो जो है ज़्यादा लोगों को दिखाई जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट प्राइवेट है वो अलग चीज़ हो गई, रील्स की जो वीडियो है ये अलग चीज़ हो गई। तो आपको जो है इन दोनों को अलग अलग समझना है क्योंकि ये दोनों अलग अलग ही हैं। रील्स पर अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हो उस वीडियो को आप प्राइवेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रील्स की तरफ से ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है जिसकी मदद से हम अपनी रील्स वीडियो को प्राइवेट करें। अब बात आती है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो तो प्राइवेट है, उसके बाद हमारी रील्स की वीडियो लोगों को क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि रील्स की जो वीडियो है वो तो अलग हो गई और ये जो हमारे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो अलग है। तो इंस्टाग्राम पर अगर हम कुछ डालेंगे तो वो चीज़ नहीं दिखाई देगी, वो हमारा अकाउंट प्राइवेट है, लेकिन रील्स की वीडियो जब हम डालेंगे वो सभी को दिखाई देंगी क्योंकि रील्स के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है जिसकी मदद से हम अपनी रील्स वीडियो को प्राइवेट करें। अगर इसके अंदर कोई न्यू ऐसा अपडेट होता जब हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहीं पर होता और वहीं से हम इसको जो है प्राइवेट और पब्लिक कर सकते हैं। तो गाइज ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर फीचर्स में कोई ऐसा जो है ऑप्शन आता है, अगर आगे कोई ऐसा अपडेट आता है तो इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं जिसमें कहते हैं कि भाई कोई सेटिंग कोई ऑप्शन ऐसा बताओ जिससे हम रील्स वीडियो को अपनी जो है यहाँ पर प्राइवेट कर लें। तो मैंने इस वजह से ये वीडियो बनाई है और आप लोगों को सारी सेटिंग के बारे में बताया, हर जगह जाकर के दिखाया है, कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ से हम रील्स वीडियो को अपनी प्राइवेट कर सकें। तो गाइस बस यही था इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको सही बता दिया है कि आप अपनी रील्स वीडियो को प्राइवेट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।